अरे यार, इतनी देर करते तुमने कहाँ गए थे? मैं मम्मी को लेने गया था, मम्मी को ले आया हूँ मैं, और मम्मी ही रहेंगी अब। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? तुम्हें मैंने कल समझाया था कि मम्मी के साथ मैं तो नहीं रहूंगी, मैं या तो इस घर में मम्मी रहेंगी या मैं रहूंगी। अब तुम रह लो अपनी माँ के साथ, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मम्मी घर पे अकेले हैं, उनको देखने के लिए कोई नहीं है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम उनको यहाँ घर पे ले आए। यार मैं नहीं लेके आ रही तुम्हारी माँ को, मुझे कोई सेवा वेवा नहीं करनी है उनकी। यार वो अपने आप कर लेते हैं अपना काम। मैं और हमारी प्राइवेसी का क्या, घर में दो ही तो कमरे हैं। अरे तो दूसरे कमरे में रह जाएंगे यार। ये दूसरा कमरा, गेस्ट वगैरह कभी आते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं, उनके लिए चाहिए नहीं होता? हम पूरा घर ब्लॉक करके रख दें अब उनके लिए। देखो अगर वो आई ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अब तुम डिसाइड कर लो तुमने क्या करना है। मम्मी सारा मूड ऑफ कर दिया यार, अपनी मम्मी को मत लेके आना। अगर लेके आना है ना तुम उन्हीं के साथ रहना, फिर मैं तो जा रही हूँ। चलो मम्मी, लव यू मम्मी, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, आप यही रहना। चलो चलो मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ। अरे आपने मुझे बताया कि नहीं कि आप मेरी मम्मी को ला रहे हो, मैं इतना सब कुछ बना के रखती ना मम्मी के लिए। मेरे पास सुबह मम्मी का फोन आया, मम्मी बहुत घबराई हुई थी, इनकी तबीयत बहुत खराब थी और भाभी इनको बहुत गंदा ट्रीट कर रही थी, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप अभी हमारे साथ चलो, मैं मम्मी को घर लेके आ गया यहाँ पर। भाभी की ऐसी मजाल कि वो आपको ऐसे ट्रीट करें, उनको समझ नहीं है क्या कैसे ट्रीट करते हैं माँ को। मैं अभी उनको फोन लगाती हूँ, अभी ठीक करती हूँ मैं उनको। बेटा रुक जा, मैं बाहर तेरी बात सुन रही थी जो तू बोल रही थी वरुण की मम्मी के लिए। तू भी तो वैसे ही बिहेव कर रही है अपनी सास के साथ जो तेरी भाभी मेरे साथ कर रही थी, उसमें फर्क ही क्या है बेटा? अपनी माँ के आने पे तो इतनी खुशी और अपने सास ससुर के आने पे इतना गुस्सा, इतनी परेशानी बेटा। हर अगर बच्चे ये समझे तो माँ बाप कभी भी अपने आप को अकेले और मजबूर और असहाय महसूस नहीं कर रहे। मम्मा कैसी बातें कर रहे हो मम्मी, आई एम रियली सॉरी यार। बहुत दुखी है, तूने मुझे ऐसी बात करके जो भाभी ने करा वही तूने कर रही थी, तू भी तो वही कर रही थी जो तेरी भाभी मेरे साथ कर रही थी। वो करते क्या है बच्चे, एक माँ बाप चार चार पांच पांच बच्चों को अकेले संभालते और तुम चार बच्चे माँ बाप को नहीं संभाल पाते। बड़ी के पास जाती है तो कहते छोटे के पास चली जाओ, छोटे के पास जाते है तो कहते बड़े के पास चले जाओ। एक माँ नहीं संभाली जाती क्या बच्चों से? मम्मी आप ऐसी बात मत करो, really sorry यार, please। एक मिनट नहीं उस बच्चे ने लगाया, बोला मम्मी आप मेरे साथ चलो, आप वहीं रहोगे, आप यहाँ नहीं रहोगे, हम दोनों मिलके आपको देख लेंगे, और तू उसकी मम्मी के लिए ऐसे बोल रही थी बेटा। आई एम वेरी सॉरी मम्मी, अब मैं आगे से ऐसे कभी भी नहीं करूंगी, आप प्लीज मम्मी जी को फोन लगाओ और उनको अभी बुलाते हैं यहाँ पे। सब सब बच्चों को ये चीज समझनी चाहिए कि माँ बाप के साथ ऐसा ना करें, माँ बाप का एक एक पल बच्चों के लिए आशीर्वाद होता है, एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जब अपने बच्चों के बारे में सोचते नहीं हो और उनके लिए चिंता ना करते हो। आई एम रियली सॉरी, आगे से आपको शिकायत का मौका कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, जीते रहो बच्चे, आप प्लीज फोन करो और मम्मी जी को यहाँ पे बुलाओ।